रेटिनल ऑपरेशन के बाद हम जिस इंट्राऑक्युलर लेंस का प्रत्यारोपण आंखों में करते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हाइड्रोफिलिक एक्रेलिक स्फेरिकल फोल्डेबल लेंस विदाउट यूवी फिल्टर, ये सबसे सस्ते इंट्राऑक्युलर फोल्डेबल लेंस होते हैं। स्फेरिकल डिजाइन होने की वजह से शाम के समय में गोधूली बेला में कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाता। हाइड्रोफिलिक प्रकृति होने की वजह से इस लेंस के प्रत्यारोपण के बाद मोतियाबिंद की जो पिछली झिल्ली है जिस पर हम लेंस प्रत्यारोपित करते हैं वो जल्दी सफ़ेद हो जाती है। यूवी फिल्टर नहीं होने की वजह से विजुअल फील्ड में हल्का नीलापन दिखाई देता है। दूसरे प्रकार के लेंस होते हैं हाइड्रोफोबिक एक्रेलिक ए स्फेरिक फोल्डेबल लेंस विद यूवी फिल्टर। ए स्फेरिक डिज़ाइन होने की वजह से शाम के समय में जब रोशनी थोड़ी कम होती है कंट्रास्ट उस समय भी बहुत अच्छा होता है, और हाइड्रोफोबिक प्रकृति होने की वजह से इन लेंसों के प्रत्यारोपण के बाद मोतियाबिंद की जो पिछली झिल्ली है जिस पे हम इंट्राऑक्युलर लेंस प्रत्यारोपित करते हैं उसके सफ़ेद होने का खतरा कम होता है, और अगर सफ़ेदी आती भी है तो काफ़ी दिनों के बाद आती है। यूवी फिल्टर होने की वजह से विजुअल फील्ड में जो हल्का नीलापन जैसा है वो नहीं दिखाई देता। रिफ्रैक्टिव बेस पर बने मोनोफोकल प्लस फोल्डेबल आईयूएल, यह नए प्रकार के लेंस हैं। इनमें दूर का एवं मध्यवर्ती दृष्टि का जितना भी काम होता है यह बिना चश्मे के हो जाता है, मगर नज़दीक के काम के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रात के समय में गाड़ी चलाने के वक्त सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट के चारों ओर हेलो ग्लेयर स्टारबस जैसा नहीं दिखता है। ऐसे लेंस जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे और सूटेबल होते हैं। अमेरिका की एल्कॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए नए वीवीटी फोल्डेबल इंट्राऑक्युलर लेंस विश्व के पहले एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन इंट्राऑक्युलर लेंस हैं, जिनके द्वारा इंटरमीडिएट डिस्टेंस के सारे काम अच्छी तरह किए जा सकते हैं, जैसे किचन में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना। साथ में जो नाइट ड्राइवर्स हैं उनको भी रात के समय गाड़ी चलाते समय सामने से आती हुई कार की हेडलाइट के चारों ओर हेलो स्टारबर्स्ट ग्लेयर इत्यादि की समस्या नहीं होती है। इसके पहले जितने भी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन आईओएल थे वो सारे डिफ्रैक्टिव बेस पे बने थे। डिफ्रैक्टिव बेस होने की वजह से रात के समय में गाड़ी चलाने के वक्त सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट से आंखें चुंधिया जाती थी और नाइट ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इंटरमीडिएट डिस्टेंस के सारे काम हो जाते थे। अभी जो रिफ्रैक्टिव बेस पर बने वीवीटी इंट्राऑक्युलर लेंस आए हैं ये पहले इडॉफ लेंस हैं जो इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव बेस पर बने हैं, जिसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस के काम यानी कि किचन में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना इत्यादि तो हो ही जाते हैं, साथ में नाइट ड्राइविंग में भी कोई आंखों में
चकाचौंध सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट से नहीं होती है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के मोनोफोकल प्लस लेंस जो है वह भी रिफ्रैक्टिव बेस पर बने हैं, जिसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पर कंप्यूटर पर काम और जो किचन का काम है होता है, मगर इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम वीवीटी इंट्राओकुलर लेंस से आईहांस इंट्राओकुलर लेंस के कंपैरिजन में बेहतर होता है और नजदीक का भी आईहांस इंट्राओकुलर जो लेंस है मोनोफोकल प्लस लेंस जिसे कहते हैं उनकी तुलना में वीवीटी इडॉफ लेंस से ज्यादा बेहतर तरीके से नजदीक और इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम होता है। मगर जो वीवीटी इडॉफ लेंस है वो काफी महंगे होते हैं और जॉनसन एंड जॉनसन के जो आईहांस ICB00IOL हैं वो अपेक्षाकृत काफी सस्ते होते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इंटरमीडिएट डिस्टेंस की जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे कि कंप्यूटर पे काम करना, किचन में काम करना, नाइट ड्राइविंग वगैरह का लुत्फ उठा सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के अपेक्षाकृत सस्ते मोनोफोकल प्लस लेंस जिसे आईहांस कहते हैं। और अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीवीटी इंट्राओकुलर लेंस लगाएं, क्योंकि वीवीटी इंट्राओकुलर लेंस वर्ल्ड का पहला रिफ्रैक्टिव बेस पर आधारित इडॉफ लेंस है जिसमें काफ़ी अच्छा इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम होता है और नज़दीक का भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और जो ट्राईफोकल और मल्टीफोकल लेंस की जो नाइट ड्राइविंग की समस्या है वो अभी नहीं होती है। तो कम बजट वाले लोग मोनोफोकल प्लस लेंस लगा सकते हैं और ज़्यादा बजट वाले जो लोग हैं वो वीवीटी लेंस लगा करके इंटरमीडिएट डिस्टेंस का और नज़दीक का बिना चश्मे की दृष्टि का आनंद उठा सकते हैं। प्रत्यारोपण किया है, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन लेंसेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हैं, सिनर्जी नाम से जाने जाते हैं, और विजुअल फील्ड के हर बिंदु पर इस लेंस के प्रत्यारोपण के बाद रोशनी बिना चश्मा के बिल्कुल स्पष्ट रहती है। आप इनको देखिए, इनकी दोनों आंखों में एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण हुआ है। अब इनको हम नज़दीक का बिना चश्मा के पढ़ने के लिए बोलेंगे। आप पढ़िए मैडम। जिसकी आमदनी अपने खर्च से ज़्यादा हो वह अमीर है और जिसका खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा हो वह गरीब है। देखिए मैडम, आपको नज़दीक का तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है। अब आप मैडम दूर का पढ़कर दिखाइए। FLD MTZ ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मैडम, अब आप दूर पढ़िए, एकदम दूर वहाँ पर। ए परफेक्ट कैटरेक्ट फ्री विजन फॉर ए परफेक्ट यू। मेरा ऑपरेशन 3 अगस्त को टेम्टो लेजर ब्लेड फ्री पद्धति से किया गया है। डॉक्टर भारती कश्यप ने यह ऑपरेशन किया है। मुझे पता ही नहीं चला ये लेजर पद्धति से मेरा कब ऑपरेशन हो गया। बहुत ही आराम से हुआ ऑपरेशन के बाद। मुझे दूर नज़दीक कहीं भी हो सब दिखता है। किचन में भी काम करना मैं शुरू कर दी हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। मोबाइल में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कंप्यूटर में भी बिना चश्मे के काम मैं आराम से कर पा रही हूँ। आजकल मार्केट में नए प्रकार के लेंस आए हैं जिन्हें कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन लेंस कहा जाता है। इसे अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी सिनर्जी नाम से बनाती है। सिनर्जी लेंस के प्रत्यारोपण के बाद रोशनी की जो रेंज है वह दूर से लेकर 33 सेंटीमीटर तक हर बिंदु पर स्पष्ट हो जाती है। टेक्नो सिनर्जी लेंस मल्टीफोकल एवं ट्राईफोकल टेक्नोलॉजी द्वारा जो निर्मित लेंस होते हैं उनके विजुअल गैप्स को कम करते हुए
कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन देता है, यानी कि दूर और इंटरमीडिएट डिस्टेंस के बीच में जितने बिंदु हैं और इंटरमीडिएट डिस्टेंस और नज़दीक के डिस्टेंस जो है 33 सेंटीमीटर उसके बीच के भी जो बिंदु है हर बिंदु पर साफ दिखता है। दूसरा, इसमें वायलेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी होती है। ट्राइफोकल लेंस जो होता है वह पूरे के पूरे ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देता है, मगर जो ZRV लेंस है, सिनर्जी लेंस है, वह अल्ट्रा वायलेट पार्ट जो है ब्लू लाइट का सिर्फ उसको ब्लॉक करता है। इसकी वजह से रात के समय में कार ड्राइविंग में जो सामने से आती हुई गाड़ी की जो लाइट होती है उसके चारों ओर हेलो और ग्लेयर कम दिखता है। उसके अलावा नींद में भी व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि जो नींद की साइकिल होती है ना वह पूरी की पूरी ब्लू लाइट के ब्लॉक कर देने से खराब हो जाती है, तो लोगों को नींद में डिस्टर्बेंस होता है। मगर इसमें पूरी की पूरी, मगर सिनर्जी लेंस में पूरी की पूरी ब्लू लाइट ब्लॉक नहीं होती है, सिर्फ ब्लू लाइट का अल्ट्रा वायलेट पार्ट ही ब्लॉक होता है, तो नींद भी नहीं खराब होती है। और रात के समय जब हम ड्राइव करते हैं तो सामने से आती हुई गाड़ी की जो हेडलाइट है उसके सामने जो हेलो ग्लेयर की समस्या मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंस में होती है वह अपेक्षाकृत कम होती है। चौथे प्रकार के लेंस होते हैं मल्टीफोकल। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाइफोकल, दूसरा है ट्राइफोकल। बाइफोकल लेंस दो काम करते हैं, एक दूर का और दूसरा नज़दीक का। हमें दूर और नज़दीक दोनों के काम के लिए बाइफोकल लेंस के प्रयोग से चश्मे से तो छुटकारा मिल जाता है, मगर मध्यवर्ती दृष्टि के काम करने में दिक्कत होती है और रात के समय गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट के चारों ओर हैलोज, स्टारबस्ट और ग्लेयर जैसा दिखता है। इसलिए यह लेंस जो ड्राइवर्स हैं, जो कार स्कूटर वगैरह ड्राइव करते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं होते हैं। बाइफोकल इंट्राऑकुलर लेंसेज में डिम लाइट में बहुत अच्छा नहीं दिखता, शाम के समय में बहुत अच्छा नहीं दिखता, रंगों की पहचान बहुत अच्छी नहीं होती है, मगर नज़दीक का काम मरीज बहुत अच्छे से बिना चश्मे के कर लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्राइफोकल फोल्डेबल इंट्राऑक्युलर लेंस के बारे में। ट्राइफोकल इंट्राऑक्युलर फोल्डेबल लेंस के प्रत्यारोपण के बाद दूर का, नज़दीक का और मध्यवर्ती दृष्टि का जो काम है, ज़्यादातर 90% काम हम बिना चश्मे के कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, किचन का काम, बाज़ार में सामान का लेवल पढ़ना, नज़दीक का काम, ये सारे काम हम बिना चश्मे के कर लेते हैं। ट्राइफोकल लेंस का फ़ायदा यह है कि इसमें कंट्रास्ट अच्छा होता है और रंगों की पहचान बेहतर होती है, और ट्राइफोकल लेंस से रात में गाड़ी चलाने समय सामने से आती हुई गाड़ी की जो लाइट है उसके चारों ओर हेलो ग्लेयर इत्यादि की समस्या कम होती है, यानी कि जो हम चाह रहे थे वो अब हमारे बीच आ चुका है। ट्राइफोकल लेंस से तीनों दूरियों के काम, दूर का, मध्यवर्ती और नज़दीक का, ये सारा काम हम ज़्यादातर बिना चश्मे के ही कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइवर्स के लिए यह बहुत अच्छा होता है, खासकर नाइट ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि सामने से आती हुई गाड़ी की जो लाइट है, जो बाइफोकल लेंस के प्रत्यारोपण के बाद, जो बाइफोकल इंट्राऑक्युलर लेंस के प्रत्यारोपण के बाद मरीजों को काफ़ी परेशान करती थी, वह परेशानी इसमें कम होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुछ विशेष समस्याएं होती हैं। उनकी जो कॉर्निया है उसके ऊपर एक सिलेंडर नंबर होता है, जिसे हम तिरछा नंबर कहते हैं और हमारी भाषा में एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। इनके लिए हम पांचवें प्रकार के इंट्राऑक्युलर लेंस प्रत्यारोपण करते हैं, जिसे टॉरिक लेंस कहते हैं। अब ऐसे मरीजों को अगर हम मोनोफोकल, बाइफोकल या ट्राइफोकल लेंस डालेंगे तो उसके बाद भी उनको चश्मे की ज़रूरत हर समय पड़ेगी, क्योंकि इनके आँखों में एक सिलेंडर पावर भी होता है। इसलिए ऐसे मरीजों के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का लेंस निकाला है, जिसे हम टॉरिक इंट्राऑक्युलर लेंस कहते हैं। यह पांचवें तरह का लेंस है, और जिन मरीजों की आँखों के ऊपर सिलेंडर नंबर होता है उनके लिए चश्मे के बिना अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है यह टॉरिक सिलेंडर पावर के इंट्राऑक्युलर लेंस। टॉरिक इंट्राऑक्युलर लेंस प्रत्यारोपण के बाद मरीज को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वह टॉरिक ट्राइफोकल फोल्डेबल इंट्राऑक्युलर लेंस डालते हैं तो बीच और नज़दीक के काम के लिए भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह टॉरिक मोनोफोकल इंट्राऑक्युलर लेंस डालते हैं तो उनको दूर का तो साफ दिखेगा बिना चश्मे के,
मगर मध्यवर्ती काम करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर का काम करने के लिए और नज़दीक का पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत होगी। दोस्तों, लेंस कितना भी महंगा और आधुनिक हो और तकनीक कितनी भी एडवांस्ड हो, मगर अगर आंखों के अंदर लगने वाले लेंस का नाप लेने में गलती हुई या अगर वो सटीक तरीके से सही एक्सिस और सेंट्रेशन से आंखों के अंदर सेट नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार है। तो दोस्तों, लेंस डालने की इस पूरी प्रक्रिया में आपके लेंस का सही चुनाव के लिए हमारे पास कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची में अत्याधुनिक मशीनें हैं, जिससे हम आपकी आंखों में प्रत्यारोपित होने वाले लेंस का सही नंबर निकालते हैं। साथ में वैरियन इमेज गाइडेड सिस्टम की सहायता से उस फोल्डेबल इंट्रा ऑक्यूलर लेंस को आंखों के अंदर सही एक्सिस एवं सेंट्रेशन के साथ सेट भी करते हैं, जिसकी वजह से हम आपको एक बेहतरीन नज़र का तोहफा दे पाते हैं। जिस आशा से एक मरीज हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनकी आशा पर पूरे खरे उतर सकें और उनको दृष्टि का एक खूबसूरत तोहफा भी दे सकें।